अस्सलाम वालेकुम। क्लास लास्ट टाइम आपके साथ मैंने जो डिस्कशन की थी वो थी क्लास होलोथ्राइडी, ठीक है। आज हम जो क्लास दो क्लासेस पढ़ने जा रहे हैं वो छोटी छोटी सी हैं। प्रिमेटिव जो हैं, मतलब इकाइनोडर्म्स हैं, बहुत ही पुराने इकाइनोडर्म्स हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। तो आज जो क्लास पढ़ेंगे हम वो है क्लास क्रायोनाइट्स। क्रायनोइडिया, ठीक है, क्रायनोइडिया। क्रायन जो है वो सी लिली से निकला है, ठीक है, जबकि आइडिया आपको पता ही होगा इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सी लिली की फॉर्म में। इनके जो मेंबर्स हैं वो सी लिली, दूसरी क्या है, फीदर, फीदर स्टार्स। ठीक है। और इनको जो है बहुत ही प्रिमिटिव, मतलब बहुत ही पुराने कदीमी इकाइनोडर्म्स समझा जाता है, प्रिमिटिव इकाइनोडर्म्स, ठीक है। ये फाइलम इकाइनोडर्म्स है, तो उसी के हम क्लासेस मज़ीद जो हैं वो पढ़ रहे हैं। इनकी कितनी स्पीशीज़ हैं? 630 स्पीशीज़ हैं जो कि लिविंग हैं, लेकिन इनके फॉसिल रिकॉर्ड में जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा इनका इंक्रीज्ड है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इनकी जो है वो अपीयरेंस बताई गई है कि ये किस तरह होते हैं, ठीक है। मैं इनके पहले स्ट्रक्चर एक बना लूँ। ये क्या है? कैलिक्स। ये स्टॉक जिसके थ्रू ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। फाइव फिन से क्या है वो क्राउन बनाती हैं ये आर्म्स। ये क्या है? इनका क्राउन है। ये किसकी मैंने डायग्राम बनाई? सी लिली की, ठीक है। अच्छा, ये अपने सब्सट्रेट के साथ किसके थ्रू अटैच होते हैं? अटैच टू सब्सट्रेट थ्रू स्टॉक, वो जो मैंने बनाई है स्टॉक, ठीक है, थ्रू स्टॉक। स्टॉक किसको कह रहे हैं? एक ब्रांच, एक शाख को, ठीक है। ये एक देखें डंडी टाइप, शाख टाइप भी बन रही है इस वजह से। अच्छा, जो इसका अटैच्ड एंड है स्टॉक का, उसमें क्या होता है? एक फ्लैटेंड डिस्क होती है, ठीक है। फ्लैटन डिस्क होती है, या इसमें क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। जो स्टॉक, मतलब ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड है, ये क्या होती है? एक फ्लैटन डिस्क किस में पाई जाती है, और इसमें रूट लाइट एक्सटेंशंस होती हैं, ठीक है, जिनको हम सीरी भी कहते हैं।
इनके जो ये स्टैक मतलब ये जो है स्टॉक, इसमें जो ओसल्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे प्रोजेक्ट हुए होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो इसको क्या एक डिस्क लाइक अपेयरेंस दे रहे होते हैं, ठीक है। और जो ओसल हैं वो किसके थ्रू अटैच्ड होते हैं एक दूसरे में, कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। ठीक, यहाँ पे कोई मसला है तो मैं दोबारा अगेन बता देती हूँ, क्या है कि सबस्ट्रेट के साथ ये किसके थ्रू अटैच होते हैं, स्टॉक के थ्रू, ठीक है। वो जो स्टॉक होती है वो क्या होती है, एक फ्लैटेंड डिस्क होती है, या उसमें क्या होता है रूट लाइक एक्सटेंशंस होते हैं, ठीक है। एक फ्लैटेंड डिस्क है जिसमें रूट लाइक एक्सटेंशंस होती हैं, जिसके थ्रू वो क्या है अपने सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। और ये जो है मतलब स्टॉक, इसमें जो है वो ओसल्स पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट हुए होते हैं, और वो किसके थ्रू जो है वो आपस में जुड़े होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, ठीक है। जो अनअटैच्ड पोर्शन होता है, ये तो हमने अटैच की बात की है ना, जो कि सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं, ये सारा अटैच पोर्शन की हमने बात किया। अब अनअटैच जो है पोर्शन इसका, सी लिली का, उसको हम क्या कह रहे हैं, क्राउन। ठीक बच्चे, ये देखें ये क्राउन है और ये अनअटैच्ड है, ठीक है। और इसमें से फाइव आर्म्स भी आगे निकल रही हैं, लेकिन जो अटैच्ड है और जिसमें से ओसल्स आपस में जुड़े हुए हैं कनेक्टिव टिश्यू के दौरान, उसको क्या हम कह रहे हैं, स्टॉक कह रहे हैं। अच्छा, इसका जो ए बोरल एंड है एंड सी लिली का, वो किसके थ्रू अटैच होता है, स्टॉक के थ्रू, ठीक है। जो के स्पोर्ट, उसको इस स्टॉक को कौन सपोर्ट कर रहा होता है, मैंने पहले बताया सेट ऑफ ओसल्स, ठीक है। सेट ऑफ ओसल्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, कैलिक्स, ठीक है। अब इस कैलिक्स से क्या वो कह रहे हैं कि फाइव आर्म जो हैं वो प्रोट्रूड होती हैं, फाइव आर्म्स निकलती हैं, 1 2 3 4 5, ये फाइव आर्म्स कैलिक्स से निकल रही हैं, ठीक है। और वो जो मतलब फाइव आर्म्स निकल रही हैं वो क्या हैं, ब्रांच्ड हैं। ब्रांच्ड, ठीक। और उससे मजीद जो है वो स्मॉलर ब्रांचेस निकलती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पेन्यूल्स, ठीक है। ये इसकी फाइव आर्म्स हैं, मतलब ये मजीद आगे स्मॉलर ब्रांचेस इसमें डिवाइड होंगे, तो इसको क्या कह रहे हैं, पेन्यूल्स। इसमें जो 2 फीट होते हैं, 2 फीट या 2 फुट, वो क्या होते हैं, उनकी 2 रोज होती हैं, जो कि हर आर्म्स में जो है वो डिवाइड हो रही होती हैं। 2 रोज प्रेजेंट इन ईच आर्म। नेक्स्ट, एम्बुलेक्रल ग्रूव्स के बारे में बताया गया है कि वो किसके
तरफ, मतलब उसकी लोकेशन क्या है? लेक्रल। वो किसकी तरफ जा रहा होता है? टूवर्ड्स माउथ। ठीक। अच्छा, इसके जो माउथ हो और एनस है, ठीक है, वो किसकी, किस सरफेस की तरफ ओपन हो रहे होते हैं? ओपन इनटू अपर सरफेस। ठीक। नेक्स्ट, इसका जो दूसरा मेंबर है, फीदर स्टार, उसकी अब मैं डायग्राम बनाती हूँ आपके थ्रू। उसका बाकी सिमिलर या इससे मिलता जुलती है वो। ठीक है। उसके जो कैलिक्स है ना, उसके नीचे ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जो कि सबस्ट्रेट के साथ उसको अटैच करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। इनका ऐसे थोड़ा सा मुंह जो है ना मुड़ा हुआ होता है। ठीक। और उसमें काफी सारी ब्रांचेस ऐसे निकल रही होती हैं। ठीक है। और ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें इनको क्या कहा गया? सीरी। ठीक। ये सिमिलर होती है किस में? सी लिली से इस ये मिलती जुलती है। ठीक है। शो सिमिलैरिटी विथ सी लिली। ठीक है। सिर्फ एक वजह से ये जो है उससे मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें स्ट्राक नहीं पाई जाती। लैक ऑफ स्ट्राइक, स्ट्रोक। ठीक है। दूसरा क्या है? ये स्विमिंग, मतलब ये तैरने वाला है मेंबर इसका। स्विमिंग एंड क्रॉलिंग, वो तो जो है वो सब्सट्रेट के साथ अटैच ही, सी लिली जो है वो सब्सट्रेट के साथ अटैच ही रहती है, लेकिन ये क्या है, ये स्विम भी करता है और क्रॉलिंग भी करता है। इसमें जो है वो रिंग ऑफ रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्या कहा गया है? सीरी। ये वाले रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको सीरी कहा गया है। सीरी क्या कहते हैं? इनको सबस्ट्रेट के साथ अटैच करने में मदद करते हैं। हेल्प टू अटैच विथ सबस्ट्रेट। ठीक। और ये जो मूविंग करते हैं वो कैसे करते हैं? अपनी अपनी जो आर्म्स है उसको रेज करते हैं, ठीक है, या उसको लोअरिंग, मतलब उसको नीचे करते हैं, तो इससे क्या होती है, उनमें हरकत पैदा हो जाती है। नेक्स्ट, इसके मेंटेनेंस फंक्शन, मेंटेनेंस फंक्शन में जो है वो बताया गया कि ये क्या है? सस्पेंशन फीडर है। ठीक। और इनके जो ट्यूब फीड के साथ अगर कोई ऑर्गेनिज्म अटैच हो गया, ठीक है, तो फिर ये इसको अपने ट्यूब फीड में मस्कुलर सीलिया, मतलब मस्कुलर होते हैं वो,
अपने मसल्स की कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन से क्या करेंगे, जो वो फीडिंग करेंगे, जिसको भी पकड़ेंगे वो अपने माउथ तक ले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ट्यूब फीड के थ्रू ये क्या करेंगे, फूड को ट्रैप करेंगे, पकड़ेंगे। फिर जो सीलिया ऑफ एम्बुलेक्रल ग्रूव्स हैं वो अपनी मूवमेंट से क्या करेंगे, उसको माउथ तक ले जाएंगे, ठीक। इनका जो बाकी मॉडर्न काइनोडर्म्स हैं उनसे क्या है? इनका फीडिंग का प्रोसेस या फीडिंग वो क्या है, डिफरेंट है फीडिंग प्रोसेस बाकी एकाइनोडर्म्स से। और इनमें क्रायोनाइड्स में क्या होती है, नर्व रिंग प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, लैक नर्व रिंग्स। जबकि इनमें एक कप शेप्ड नर्व होती है, कप शेप्ड नर्व, ठीक है, कैलिक्स के नीचे वो पाई जाती है, बिलो द कैलिक्स। ठीक, क्या होती है इनमें जो है वो नर्व रिंग एब्सेंट होती है, जैसे कि हमने बाकी काइनोडर्म्स में पढ़ा था कि नर्व रिंग से आगे मजीद उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है, रिंग कैनाल टाइप इस तरह वो पढ़ी थी, लेकिन जो है ना इसमें नर्व रिंग एब्सेंट है, ठीक। और इसमें क्या है, एक पाई जाती है कप शेप्ड, कप शेप्ड नर्व पाई जाती है, ये बिलो द कैलिक्स, कैलिक्स के नीचे क्या है, एक कप शेप्ड नर्व पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये भी क्या है, बाकी काइनोडर्म्स की तरह डाइओशियस हैं, ठीक है। और इनकी जो है टू गुनेड्स पाए जाते हैं इनकी आर्म्स में, ठीक है, जबकि मतलब ब्रूडिंग का सीज़न आए तो क्या है, वो अपने एग रिलीज़ करती हैं वाटर में, ठीक है। रिलीज एग इनटू वाटर, ठीक है, और फिर जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, फिर उससे लार्वा बनता है, लार्वे की फिर मतलब वो प्लांकटोनिक होता है, उसके बाद उसकी मेटामॉर्फोसिस होती है, देन क्या है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कुछ तो है ना कि जब कोई ब्रूडिंग सीजन आए तो वो अपने एग रिलीज करते हैं वाटर में, लेकिन कुछ जो हैं वो फीमेल्स अपने एग जो हैं वो इन आर्म्स में रखती हैं जब तक एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो भी उसी में डेवलप हो जाता है, तो फिर जब वो कुछ लार्वा टाइप बन जाता है तब वो उसको रिलीज़ करती हैं। ये दो तरह का बताया गया प्रोसेस रिप्रोडक्शन का। तो हमारा ये क्लास आज एक फिर इस लेक्चर में हुई है क्लास क्रायोनाइडिया, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एक लास्ट क्लास है क्लास कोसेंट्राइकोइडिया, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। इसमें अगर आपको कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।